हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाइथन प्रोग्रामिंग। तो इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं पाइथन में एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि हम एक्सेप्शन को कैसे हैंडल कर सकते हैं, या फिर जो भी हमारे प्रोग्राम में एरर आती हैं हम उनको किस प्रकार से हैंडल कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक्सेप्शन क्या होती हैं। एक्सेप्शन को जानने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमने क्या लिया, एक नंबर, दो नंबर लिए, यहाँ पर n1 और इंटीजर इनपुट, और यहाँ पर इनपुट, और n2 भी लेते हैं, इंटीजर इनपुट और यहाँ पर इनपुट। आप क्या करते हैं, हम रिजल्ट इज इक्वल टू n1 डिवाइडेड बाय n2। n1 को हम क्या कर देते हैं, n2 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम टू टू नंबर का हमारे पास डिवीजन आ जाएगा। तो हम यहाँ पर दो नंबर दे देते हैं, जैसे 4 और 2। तो इस तरह से हमारे पास कुछ आउटपुट आ जाएगा। इसको हमें क्या करना है, प्रिंट भी करना है। तो यहाँ पर ये देख लीजिए, ये आउटपुट आ रहा है 2.0। अब यहाँ पर यदि n2 को क्या कर दिया जाए, 0 कर दिया जाए, जैसे हम n2 को क्या कर देते हैं, 0। यहाँ पर ये जो मैं इनपुट आउटपुट ले रहा हूँ, ये यहाँ पर मैंने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है CPH नाम से, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग हेल्पर। आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से कुछ हमारे पास ये रिजल्ट जज करने के लिए आ जाएगा। अब यदि हम इसको रन करेंगे, यानी कि हम सेकंड नंबर क्या ले लिया हमने, 0, तो यहाँ पर कौन सी एरर आएगी, डिवीजन एरर आएगी। कि किसी भी नंबर को हम यदि 0 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या है ना, एक एक्सेप्शन है, और यहाँ पर ये आ जाएगी 0 डिवीजन एरर, डिवीजन वाज 0। तो ये क्या है, एक एक्सेप्शन है। इसी प्रकार से यदि हम कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर ना करें और इसको यूज करते हैं, तो वो क्या होती है, नेम एरर होती है। कि वह जो भी आप डिफाइन, क्या बताता है कि अनडिफाइंड, यदि हमने जैसे एक्स इधर लिखा है और यहाँ पर एक्स का मल्टीप्लाई कर दिया है, तो यहाँ पर कहेगा एक्स इज नॉट डिफाइंड, या फिर यहाँ पर कुछ भी ना लिखें और यहाँ पर एक्स का गुणा कर दिया, या फिर कुछ भी कर दिया, तो क्या आएगा, एक्स इज नॉट डिफाइंड। तो ये क्या सभी एक्सेप्शन है या फिर एरर है। तो इन्हीं को हैंडल करने के लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है, ट्राई एक्सेप्ट या फिर एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो जैसे ये एरर आ रही है, तो हम देखते हैं इसको किस प्रकार से हैंडल कर सकते हैं। यदि यहाँ पर हम क्या इंटीजर इनपुट ले रहे हैं, यदि कोई यहाँ पर नंबर की जगह स्ट्रिंग या फिर कैरेक्टर एंटर कर देता है, तो भी एरर आएगी। वो कौन सी एरर आएगी, वैल्यू एरर आएगी। जैसे यहाँ पर हम इनपुट कर देते हैं और रन करते हैं, तो यहाँ पर ये देख लीजिए, यहाँ पर कौन सी आ रही है, वैल्यू एरर। तो देखते हैं इस प्रकार की एरर्स को हम किस प्रकार से हैंडल कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या करना है, ट्राई लिखना है, और यहाँ पर इन दोनों को इसी ब्लॉक में लिखना है। ट्राई ब्लॉक में हमें वही लिखना है जिनकी हमें शंका है कि वह क्या हो सकता है, इनमें एरर आ सकती है। तो हमें उनको किस में लिखना है, ट्राई ब्लॉक में। ट्राई ब्लॉक क्या करता है, यहाँ पर ट्राई ब्लॉक टेस्ट ब्लॉक ऑफ कोड एंड रेज एन एरर। तो यहाँ पर ये क्या करता है, कोड को टेस्ट करता है और हमें एरर बताता है। और यहाँ पर हम ट्राई के बाद क्या लिखेंगे, एक्सेप्ट। जो भी एरर आएगी वो कहाँ आएगी, यहाँ पर एक्सेप्ट में आ जाएगी। अब उसको हमें क्या करना है, यहाँ पर हम बता भी सकते हैं कि कौन सी एरर आ रही है यहाँ पर, जैसे नेम एरर, जीरो डिवीजन एरर। तो पाइथन में क्या होगा कि कंट्रोल को चेक नहीं करना पड़ेगा हर क्लासेस में जाके, यह कौन सी एरर आ रही है। तो यहाँ पर हम यदि पता है कि कौन सी एरर आ सकती है, तो यहाँ पर एरर का नाम हम लिख देंगे, वरना कुछ नहीं लिखेंगे, और इस तरह से इसको रन कर देंगे, जैसे प्रिंट 0 डिवीजन एरर अकर्ड। अब हम इसको रन करेंगे तो देखिए क्या आता है। तो यहाँ पर जो, सॉरी, यहाँ पर नेम एरर आ रहा है, तो इसको भी कमेंट आउट कर देते हैं या फिर डिलीट कर देते हैं। अब इसको रन करते हैं तो यहाँ पर ये देख लीजिए, ये 0 डिवीजन एरर बता रहा है। तो हमने क्या कर लिया है, इसको हैंडल कर लिया है। यदि ऐसा हम नहीं करते, यदि कोई भी हम एप्लीकेशन बनाते, तो हमारा ना एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर करप्ट हो सकता था।
तो इस तरह से हमने क्या किया है, एक्सेप्शन को हैंडल किया है। अब यहाँ पर हमारा काम तो अभी पूरा नहीं हुआ, क्योंकि ये प्रोग्राम एक बार रन हो चुका है और यहाँ पर जो जीरो डिवीजन है एरर है वह बता भी दी है कि क्या जीरो डिवीजन एरर है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको वाइल लूप द्वारा हम फिर से इनपुट ले लेते हैं बार बार जब तक कि कोड रन ना हो। यहाँ पर ट्रू और इस ब्लॉक को इसमें कर देंगे। अब इसको रन करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, इनपुट लेने के लिए फिर से रेडी हो जाएगा। अब इसको रन करते हैं यहाँ से पाइथन मेन डॉट पाई। अब यहाँ पर हमें पहला नंबर देना है और ये दूसरा नंबर देना है। तो यहाँ पर क्या बता रहा है, जीरो डिवीजन एरर अकर्ड। हम फिर से इनपुट दे सकते हैं इसमें तो ये फिर से बताएगा। अब यदि हम और कोई भी दे सकते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा, जैसे यहाँ पर 4/2। सॉरी, यहाँ पर हमें क्या करना है, प्रिंट भी तो करना है रिजल्ट को। तो यहाँ पर क्या कर देते हैं, हम रिजल्ट को प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट और यहाँ पर रिजल्ट। और ये सब होने के बाद हम क्या कर देंगे, इस लूप को ब्रेक कर देंगे। अब इसको रन करते हैं तो यहाँ पर हम इनपुट देते हैं 4 और 2। तो इस तरह से हमारे पास ये आ जाएगा। यदि हम फिर से इसको रन करें और फिर से इनपुट दें तो यहाँ पर ये जीरो डिवीजन एरर बता देगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपनी एक्सेप्शन और एरर्स को हैंडल कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें पता है कि यहाँ पर कौन सी एरर आने वाली है, तो हम उस एरर को डायरेक्टली यहाँ पर लिख भी सकते हैं। जैसे यहाँ पर कौन सी एरर आ सकती है, एक तो वैल्यू एरर आ सकती है और दूसरी जीरो डिवीजन एरर आ सकती है। यह दोनों ही आ सकती हैं, तो हमने इनको क्या कर दिया, एक ब्रैकेट में लिख दिया और यहाँ पर हम प्रिंट करा देंगे, जैसे एरर अकर्ड, यहाँ पर एरर आ रही है। आप फिर से एंटर कर सकते हैं नंबर को। यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, इसको फिर से रन कर लेते हैं। तो यहाँ पर 4/0, तो यहाँ पर एरर अकॉर्ड या फिर 4, और यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, स्ट्रिंग इनपुट कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, फिर से एरर आ जाएगी। तो यहाँ पर हम आपकी सही इनपुट दे देते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं अपनी एरर को हैंडल। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम एक्सेप्ट के मल्टीपल ब्लॉक भी लिख सकते हैं। जैसे एक ब्लॉक में हम एक पर्टिकुलर एरर को या फिर एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं। जैसे हमने क्या लिखा, एक्सेप्शन, सॉरी एक्सेप्ट, और यहाँ पर क्या कहिए, सबसे पहले कौन सी एरर को चेक किया है, जीरो डिवीजन एरर को। यदि ये एरर होगी तो यहाँ पर ये वाला ब्लॉक रन हो जाएगा और यहाँ पर ये जीरो, या फिर हम प्रिंट कर देंगे डिवाइजर कांट वी जीरो। तो यहाँ पर हम सिंगल कोड प्रिंट किया है तो हमें यहाँ पर डबल कोड करना होगा, तो इससे यह सही आ जाएगा। अब यहाँ पर एक और हम एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं। जैसे हमने क्या लिखा, एक्सेप्ट, और यहाँ पर क्या, वैल्यू एरर, और यहाँ पर क्या कर दिए, प्रिंट वैल्यू एरर अकर्ड। तो यहाँ पर ये क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा कि यहाँ पर कौन सी एरर आ रही है, वैल्यू एरर आ रही है। तो यहाँ पर हम फिर से इस प्रोग्राम को रन किया और इनपुट दिया 4 और 0। तो यहाँ पर कैंट डिवाइडेड बाई जीरो या फिर डिवाइजर कैंट भी जीरो, यहाँ पर 4 और यहाँ पर ये, तो ये क्या आ रही है, वैल्यू एरर। अब हम फिर से भी एंटर कर सकते हैं जैसे 4 और 2, तो ये आंसर आ जाएगा। तो हम इस तरह से अपने कोड को लिख सकते हैं और एरर्स को हैंडल कर सकते हैं या फिर एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं। अब इसके बाद हम एक और कीवर्ड आता है एल्स। यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, एक्सेप्ट के बाद एल्स। एल्स का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो एरर आ रही है, एरर ये सभी क्या हो चुकी हैं, हैंडल हो चुकी हैं। तो यहाँ पर ये प्रिंट होगा या तो फिर ये बारी हैंडल एरर होगी तो ये प्रिंट होगा। यदि कोई भी एरर नहीं है तो फिर कौन सा ब्लॉक चलेगा, एल्स ब्लॉक चलेगा। हमें शक है कि जिस कोड में एरर आ सकती है उसको हमें क्या करना है, चेक करना है, तो हम ट्राई ब्लॉक में रखेंगे, वरना हमारा कोड जो कहते हैं चले नहीं दो। तो हम उसको कहाँ रखेंगे, इस एल्स में रखेंगे। तो यहाँ पर रिजल्ट को वहीं रखेंगे क्योंकि इसे भी हमें चेक करना है, तो हम उसको वहां रख देते हैं और इसको एल्स में रख देते हैं, तो ये भी सही से वर्क करेगा।
इसको रन करते हैं और इनपुट देते हैं, तो ये देख लीजिए 4 और यहाँ पर ये, तो ये एरर अभी आ रही है। अब इसको हम सही से इनपुट देते हैं तो ये देख लीजिए ये सही आ रही है। तो हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि एरर्स को किस प्रकार से हैंडल करना है। अब एक और कीवर्ड आता है फाइनली, तो उसको भी देख लेते हैं क्या है। यहाँ पर इसको ज्यों का त्यों किया और यहाँ पर एक्सेप्ट, इसके बाद फाइनली। फाइनली क्या होता है कि जो एरर हैं या फिर नहीं है, एरर होगी तो भी फाइनली रन होगा और एरर नहीं होगी तो भी फाइनली रन होगा। जैसे यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, एरर का अगेन क्या कर देते हैं, प्रिंट कर देते हैं, तो यहाँ पर ये एक मैसेज प्रिंट हो जाएगा, एरर आएगी तो भी और नहीं भी आएगी तो भी। अब यहाँ पर 4 / 0, तो यहाँ पर ये जो भी एक्सेप्शन है वो आ जाएगी, वो चेक होगी, एक्सेप्शन होगी तो वो चेक हो जाएगी और ये रिटर्न देगी और यहाँ पर ये फाइनली ब्लॉक चलेगा। तो एरर यदि हमारी हैंडल हुई तो ठीक है, वरना यहाँ पर ये फाइनली ब्लॉक चलेगा ही चलेगा। यहाँ पर हम यदि हमें कोई भी एरर समझ नहीं आ रही है तो सिर्फ एक्सेप्ट लिखेंगे और यहाँ पर हम बस पास कर देंगे या फिर एरर लिख देंगे। इसको पास कर देते हैं, अब इसको रन करते हैं तो भी यह रन सही से होगा। 4 / 0 एरर ट्राई अगेन, तो यहाँ पर 4 / 2, तो यहाँ पर ही ब्रेक होकर आ जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर ही एरर नहीं भी है तो भी यह चलेगा, कौन सा, फाइनली ब्लॉक। तो इस प्रकार से हम अपनी एरर्स को हैंडल कर सकते हैं या फिर एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं। यदि आपको और भी एरर्स को या फिर एक्सेप्शन को हैंडल करना है तो आप पाइथन के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में जाकर, डॉक्यूमेंटेशन में जाकर यह रीड कर सकते हैं, या फिर W3SS पर या फिर Geek4Geeks पर जाकर ये सभी टॉपिक्स पढ़ सकते हैं।